पंखे से चलने वाली ये कार बहुत दिलचस्प है और न्यूटन के तीसरे उसूल को जाहिर करती है। इसके लिए आपको प्लास्टिक का एक पंखा, कुछ ढक्कन, साइकिल की तीलियां वगैरह चीज़ें दरकार होंगी। सबसे पहले ढक्कन में साइकिल की तीली दाखिल करें। इस तीली का एक्सल बन जाएगा। इस तीली में रिफिल लगाएं जो बुश बेयरिंग का काम करेगा। फिर एक्सल में दूसरा ढक्कन लगा दें। फिर थोड़ा सा फेवी बॉन्ड लगाएं जिससे कि ये मजबूती से चस्पा हो जाए। अगर आप रिफिल पकड़कर दोनों पहिए घुमाएंगे तो एकदम आसानी से घूमेंगे। अब एक प्लास्टिक की फुटपट्टी लें और इसमें दोनों जोड़ी पहिए को टेप से चस्पा कर लें। इस तरह से आपकी गाड़ी बन जाएगी। प्लास्टिक की फुटपट्टी और ढक्कन के पहिए मिलकर एक गाड़ी बन जाएगी। ये गाड़ी तैयार हो गई। फिर आप रबर की दो शीट लेकर फुटपट्टी पर चस्पा करें। इसका मकसद ये है कि ऊंचाई बढ़ाना है। ये देखिए, इस तरह से थोड़ी ऊंचाई बढ़ गई है। फिर बैटरी से चलने वाला एक पंखा लें। बटन ऑन करने पर पंखा फर फर घूमेगा। अब पंखे को रबर के टुकड़े पर रखें और इसे टेप की मदद से मजबूती से चस्पा कर लें। अब जैसे ही आप पंखे का बटन ऑन करेंगे, पंखा गोल गोल घूमेगा और गाड़ी उल्टी सिमत तेजी से दौड़ेगी। इसमें बिल्कुल रॉकेट का उसूल है कि हर अमल का रद्दअमल होता है। इसी उसूल पर ये पंखे वाली गाड़ी चलती है। क्यों है ना एकदम मज़ेदार?